व्हाई इज ईरान एंग्री एट पाकिस्तान? हालांकि ये क्वेश्चन चेंज भी हो सकता था, व्हाई आर ईरान एंड इंडिया एंग्री एट पाकिस्तान, मगर यहाँ पे प्राइमरली फोकस ईरान पे होगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये ईरान की है, लोग यहाँ पे दुखी हैं, गुस्सा हैं, क्योंकि उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को एक टेररिस्ट अटैक में टारगेट किया गया और 27 ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स शहीद हो गए। शहीद ऑलमोस्ट सेम तरीके में हुए हैं जिस तरीके से इंडिया में पुलवामा में हमारे 40 CRPF जवान शहीद हुए हैं। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि दोनों कंट्रीज का पाकिस्तान से क्या लिंक है और व्हाट इट मींस फॉर पाकिस्तान, इससे जो रीजन के जियोपॉलिटिक्स है वो कैसे चेंज होते हैं। सो ऑब्वियसली अ लॉट टू नो। नाउ इस टॉपिक की शुरुआत मैं करना चाहूंगा पुलवामा टेरर अटैक के इंटरनेशनल रिस्पॉन्स को देखकर। रिसेंटली आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हमारे CRPF जवानों पर बहुत ही कावड़ी अटैक हुआ, एक आतंकवादी ने करीब 40 CRPF जवानों को मार दिया, और इसको देखते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी ग्रीफ प्रेजेंट कर रही है। बहुत सी कंट्रीज ने, करीब 50 कंट्रीज ने यहाँ पे प्रतिक्रिया जताई है। सबसे स्ट्रांगेस्ट प्रतिक्रिया आई है USA से। USA ने कैटेगोरिकली यहाँ पर कहा है द यूनाइटेड स्टेट्स कंडेम्स इन द स्ट्रांगेस्ट टर्म्स द हीनियस टेररिस्ट अटैक बाय पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप। ये बात काफी हद तक मैं कहूंगा सरप्राइजिंगली प्लेजेंट है कि USA इतना ओपनली सामने आया है और उसने पाकिस्तान को यहाँ पे कैटेगोरिकली मेंशन किया है। USA के बाद मैं कहूंगा यहाँ पे फ्रांस ने काफी अच्छा काम किया है। फ्रांस ने यहाँ पे पाकिस्तान को मेंशन तो नहीं किया, मगर यहाँ पे जैश ए मोहम्मद को मेंशन किया है, जो दुनिया जानती है वो पाकिस्तान बेस्ड है। तो फ्रांस ने भी यहाँ पे मैं कहूंगा बहुत ही बोल्डली, बहुत ही ब्रेवरी के साथ इंडिया का साथ दिया है। रशिया को आप अगर देखोगे तो रशिया की तरफ से कंडोलेंसेस तो आई हैं, उन्होंने कहा है कि जो हुआ है गलत है, हम इंडियंस के साथ हैं और जो भी यहाँ पे हुआ है इट शुड बी स्टॉप्ड, मगर उन्होंने ना पाकिस्तान का नाम लिया है ना जैश ए मोहम्मद का नाम लिया है। मैं ऐसे ये नहीं कह रहा कि रशिया इंडिया से दूर हो रहा है या फिर रशिया पाकिस्तान के रिलेशंस आज के टाइम में इतने स्ट्रांग है कि रशिया ऐसा नहीं करेगा, मगर इन छोटी चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी किस तरफ बढ़ रही है। अब इन तीन कंट्रीज के अलावा बहुत सी और कंट्रीज ने भी यहाँ पे इंडिया का समर्थन किया है और इंडिया ने भी खुद अपनी तरफ से काफी सारे स्टेप लेने स्टार्ट कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली इस टॉपिक पे मैंने वीडियो भी बनाई है, इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान से छीन लिया है, जो स्टेटस कभी पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं दिया था, तो इट इज वेरी मच रैशनल, ये एक अच्छा कदम था। उसके अलावा अरुण जेटली जी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को अब ग्लोबली आइसोलेट करने में भी इंडिया स्टेप्स उठाएगा। अब ये जो ग्लोबल आइसोलेशन है इसमें एक बहुत ही ज्यादा की पार्टनर इंडिया का हो सकता है ईरान, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में बहुत से लोग एंग्री हैं, गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान जिस तरीके से टेरर आउटफिट्स के ऊपर एक्शन नहीं ले रहा, उनके रवैये को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। सिमिलरली ऐसा गुस्सा अब ईरान में भी देखने को मिल रहा है। ईरान में भी रिसेंटली पुलवामा अटैक के जैसा ही एक बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम अटैक हुआ, जहाँ पे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उनके बेसिकली बॉर्डर सोल्जर्स होते हैं ये, उनको एक आतंकवादी ने अटैक किया सिमिलर तरीके से जैसे हमारे CRPF के जवानों को अटैक किया था। रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान के बस में जा रहे थे, एक कार आई एक्सप्लोसिव से भरी हुई, उसमें टक्कर मारी, एक्सप्लोजन हुआ और 27 यहाँ पे रेवोल्यूशनरी गार्ड शहीद हो गए। और जो ईरान में आतंकवादी अटैक हुआ है उसके पीछे ये टेरर आउटफिट जिम्मेदार है, जैश अल अदल। नाउ जो ये वाला जैश है ये जैश ए मोहम्मद से डिफरेंट है। जैश ए मोहम्मद ने इंडिया में अटैक किया है और जो जैश ए अदल है इसने अटैक किया है ईरान में, मगर दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों टेरर आउटफिट्स पाकिस्तान बेस्ड है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, उनके जेन्युइन हेडक्वार्टर्स आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। जैश ए मोहम्मद के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको पंजाब प्रोविंस में मिलेंगे, जो जैश ए अदल के प्रोविंस है वो आपको मिलेंगे बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो जैसे ही ईरान में टेररिस्ट अटैक हुआ, ईरान के मेजर जनरल मोहम्मद अली जफारी ने यह स्टेटमेंट दी है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मस्ट पे द प्राइस ऑफ हार्बरिंग दीज टेररिस्ट ग्रुप्स एंड दिस प्राइस विल अनडाउटेबली बी वेरी हाई। तो कैटेगोरिकली इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है, कहा है कि जो आतंकवादी हमला ईरान की ज़मीन पे हुआ है, वो जो टेररिस्ट आए थे उन्हें हार्बर पाकिस्तान करता है और पाकिस्तान को एक बहुत ही ज़्यादा भारी कीमत इसकी चुकानी होगी। आगे उन्होंने ये कहा है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल नो लॉन्गर ऑब्जर्व द प्रीवियस रिजर्वेशंस एंड विल डायरेक्टली एक्ट टू काउंटर सच एक्ट्स। तो ओपनली उनके मेजर जनरल यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि पहले जो ऐसे अटैक हुए हैं, जैश ए अदल ने ऐसा नहीं है कि ये पहला अटैक किया है, इससे पहले काफ़ी अटैक इस पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप ने ईरान में किए हैं। तो अब ईरान की यहाँ पे मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं कि पहले की तरह अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम भी काउंटर अटैक इसका करेंगे। अब जैश उल अदल, वैसे इसके दो नाम हैं, जैश ए अदल भी कहते हैं, उल अदल भी कहते हैं इसको,
तो जैश उल अदल की अगर हम बात करें, जिसने ईरान पे अटैक किया है, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है, ये प्राइमरली आपको बलूचिस्तान में एक्टिव मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अभी आपको मैप अभी दिखाऊंगा, बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी है और एक बलूचिस्तान ईरान में भी है। सिमिलरली जिस तरीके से इंडिया में एक स्टेट है पंजाब, पाकिस्तान में भी पंजाब है, वो बड़ा पंजाब है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये बलूचिस्तान है। तो जो ये ग्रुप है, ये बेसिकली चाहता है कि ईरान से जो बलूच लोग हैं वो अलग हो जाएं और वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को काफ़ी हद तक हवा देता है। इंडिया ने इस ग्रुप को एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर कर रखा है। इंडिया के साथ साथ जापान ने भी इसको एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन मान रखा है। ईरान में तो ऑफकोर्स ये आतंकवादी संगठन माना जा ही चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखोगे मैंने पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े रीजन को मार्क कर रखा है। ये जो रीजन है, ये है पाकिस्तान का बलूचिस्तान एरिया, ठीक है, इसको समझ लो। अब यहाँ पे आप देखोगे ये है ईरान, अभी आपको ये भी मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो ये पूरा एरिया है ना, ये ईरान का बलूचिस्तान है, इसको वो कहते हैं सिस्ता एंड बलूचिस्तान। और यहाँ पे आप देखोगे ये है ईरान का बलूचिस्तान एरिया। तो बेसिकली जैश अल उल अदल जो पाकिस्तान बेस्ड संगठन है, वो काफ़ी बार यहाँ पे अटैक कर चुका है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को टारगेट कर चुका है। इससे पहले 2013 में फिर एक इंसिडेंट हुआ था, 2014 में, हर साल, ऑलमोस्ट हर साल आपको दिखेगा एक ना एक ऐसा इंसिडेंट होता है, ईरान के कुछ सोल्जर्स को इसी तरीके से मारा जाता है। और धीरे धीरे ईरान में भी एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट, एक गुस्सा अब ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का नैरेटिव ये होता है कि हमने कुछ नहीं किया, उनकी गवर्नमेंट ये कहती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मगर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ बहुत से टेररिस्ट संगठन उनकी ज़मीन पर है आज के टाइम में, और वो उसके खिलाफ अगर एक्शन नहीं लेंगे तो रीजनली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एंगर फेस करना होगा। आज के टाइम में आप अगर रीजनली देखो तो इंडिया के साथ उनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ईरान के साथ ख़राब हो रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, वो भी अभी आपको बताऊँगा। तो ओवरऑल रीजनली पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा हॉस्टिलिटी का सामना कर रहा है। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जो करता है, उनके माइंड में उनका एक जो एक थॉट है कि हमें इंडिया का कश्मीर अलग करना है, इंडिया को तोड़ना है वगैरह, वो सब, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं इंडिया को अटैक कर रहे हैं। मगर ईरान को पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट्स अटैक क्यों करेंगे? वो बलूचिस्तान जो एरिया है ईरान का, उसको ईरान से क्यों तोड़ना चाहेंगे? ऑलरेडी इंडिया जैसा एक बहुत ही बड़ा उन्होंने एक कंट्री एनिमी बना रखा है, ईरान से भी वो एनिमिटी क्यों करना चाहेंगे? देखिए इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है, और इसका आंसर है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है ईरान के लिए, और इंडिया भी उसको यूज़ करेगा, और चाबहार पोर्ट एक्चुअली ईरान के बलूचिस्तान, जो सिस्ता बलूचिस्तान प्रोविंस है, वहीं पे आता है। तो अगर वो प्रोविंस डिस्टेबलाइज होता है, तो जिस तरीके से इंडिया इन द फ्यूचर उसको बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहता है, उसकी जो यूटिलिटी है उस पर फ़र्क पड़ सकता है। तो ये आपको यहाँ पर वजह भी मालूम पड़ गई कि वो टेररिस्ट बेस्ड आउटफिट इस प्रोविंस को टारगेट क्यों कर रहा है। नाउ ऑब्वियस ही बात है, जब पाकिस्तान दोनों मेजर कंट्रीज़ ईरान और इंडिया दोनों को अटैक करने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स को हार्बर करेगा, तो दोनों कंट्रीज़ करीब भी आएंगी। और जिस तरीके से इंडिया में अटैक हुआ है, ईरान में अटैक हुआ है, ये देखते हुए दोनों कंट्रीज़ ऑफिशियली सामने आई हैं। जो 85 कंट्रीज थी जिन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया, वो तो अलग है, मगर ईरान का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान करीब 1000 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं, और ईरान इज़ एन इमीडिएट नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ पाकिस्तान। तो जैसे ही ये अटैक हुआ, तो सुषमा स्वराज जी, जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो ईरान के डेप्यूटी फॉरन अफेयर्स मिनिस्टर से मिली। इनका नाम है सैयद अब्बास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी ट्वीट है, ईरान एंड इंडिया सफर्ड फ्रॉम टू हीनियस टेररिस्ट अटैक्स इन द पास्ट फ्यू डेज, रिजल्टेड इन बिग कैजुअलिटीज। टुडे इन माई मीटिंग विद सुषमा स्वराज द इंडियन फॉरन मिनिस्टर, व्हेन शी हैड टू स्टॉप ओवर इन तेहरान, वी एग्रीड टू क्लोज कोऑपरेशन टू कॉम्बैट टेररिज्म इन द रीजन। तो अब इंडिया और ईरान आतंकवाद से निपटने के लिए और ज़्यादा बढ़ चढ़ के एक दूसरे का समर्थन करेंगे और मिलके काम करेंगे, विच इज़ गुड फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। कहाँ तक ये सक्सेसफुल हो पाएंगे, वो देखना होगा। अब ये तो हमने डिस्कस किया ईरान का मैटर। नाउ ईरान के अलावा पाकिस्तान का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इमीडिएट नेक्स्ट डोर नेबर है, जिनके साथ उनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान रीजनल आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है। ये नेबर है अफगानिस्तान। 2017 में एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब इंसिडेंट सामने आया था, जब पाकिस्तानी मिलिट्री ने ओपनली, वाइल थम्पिंग देयर चेस्ट विद प्राइड, ओपनली ये कहा कि उन्होंने 50 अफगानी सोल्जर्स को मार डाला। यहाँ आप देख सकते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, पाकिस्तान क्लेम्स इट किल्ड 50 अफगान बॉर्डर ट्रूप्स, और ये हुआ भी था, बहुत ही सैड इंसिडेंट था। तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान को लेकर भी बहुत ज़्यादा एंगर है। वहाँ के लोग मानते हैं कि तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है,
जो रेडिकलाइजेशन है अफगानिस्तान की उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, और आज के टाइम में जो हालत है अफगानिस्तान की उसमें एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया है पाकिस्तान ने भी। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान रिलेशन भी काफ़ी हद तक ख़राब है, और ऑफकोर्स ये तो आपको पता होगा कि एक बहुत ही बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उसको कहते हैं दुरंद लाइन, तो उसको लेकर अफगानिस्तान मानता है कि ये लाइन सही नहीं है, और पाकिस्तान का बहुत सारा जो एरिया है उसको वो क्लेम करता है कि वो उनको बिलोंग करता है। फॉर द टाइम बीइंग अफगानिस्तान इस पोजीशन में है नहीं कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री पाकिस्तान को वो चैलेंज कर सके और अपनी ज़मीन वापस ले सके, मगर आने वाले कुछ दशकों में हाइपोथेटिकली मान के चलिए आप अगर 3-4 दशकों में या फिर इवन 2 दशकों में अगर अफगानिस्तान स्टेबलाइज हो जाता है और वो कुछ हद तक अपनी जो डिमांड है यहाँ पे लैंड की वो वापस शुरू करते हैं, तो पाकिस्तान विल बी अंडर ट्रमेंडस प्रेशर। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर का इशू चल रहा है इंडिया के साथ, हमको जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वापस चाहिए, ईरान के साथ इशू ऑलरेडी है, और जो अफगानिस्तान वाला इशू है वो भी स्टार्ट हो सकता है। तो इंटरनेशनली तो पाकिस्तान आइसोलेटेड है ही, अब जो रीजनल इंटेंस आइसोलेशन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। नाउ इस सब का सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि आप इसको एक न्यूट्रल तरीके से देखो, फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू देखो, आप अगर मान के चलो कि आप अमेरिका में बैठे हो और इस सब को आप देख रहे हो, तो आपको लिखेगा कि इस रीजन में कमाल की इंस्टेबिलिटी है, ये जो रीजन है कब डेवलप करेगा, कब यहाँ पे ट्रेड फ्लरिश करेगा और यहाँ पे सारी कंट्रीज मिलके काम करेंगी। देखिए उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेररिज्म ऑल फॉर्म्स में ख़त्म होना चाहिए। जो टेररिज्म की जो क्लासिफिकेशन कर रखी है कि जो कश्मीर का टेररिज्म है पाकिस्तान के लिए वो ओके है, वो उसको सपोर्ट करते हैं, और कहीं और का टेररिज्म है उसके लिए कुछ और है, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई रो ग्रुप है जो लॉ एंड ऑर्डर के बाहर है, जो मिलिटेंट्स हैं, जो कहीं पे अटैक कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान हमेशा के लिए ये नहीं कह पाएगा कि जो टेरर ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऑफिशियली बिलोंग नहीं करते, अगर वो उनकी ज़मीन से आते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, और ये जो प्रेशर है धीरे धीरे पाकिस्तान पे माउंट होता रहेगा। अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे तो पाकिस्तान की जो आइसोलेशन है और ज़्यादा घिराती रहेगी, और इन दी एंड मैं इन द लॉन्ग रन कहूँगा इससे रीजन को ही नुकसान होगा, जो पोटेंशियल है इस रीजन का ट्रेड करने का, फ्लरिश करने का, उसमें बाधा आएगी। तो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पे एक डिफिकल्ट डिसीजन लेगी, जो टेरर आउटफिट्स उनके कंट्री में है उन पर एक्शन लेगी, और ऑल टुगेदर रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी फैलाने का काम करेगी। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।